means of the linear acceleration of first particle is कितना होगा? अप्लाई करना पड़ेगा मुझे एक इक्वेशन, therefore A1 is equal to क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? r इन जनरल है, यहां पे कितना है? r राइट हैंड की r a क्या है यहां पे? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, यहां पे कितना एंगुलर एक्सेलरेशन? अल्फा ही होगा, ये वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी बट हियर कि अल्फा इज कांस्टेंट देयरफॉर हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ So this is the relationship between the A1 is equal to R1 into R. This is the linear acceleration for the first particle. Similarly, अपन को निकालते आएगा बेटा राजू आप बताइए कितना होगा सेकंड के लिए सेकंड पार्टिकल के लिए हाँ ठीक है बिल्कुल सही है देखो also क्या होगा लीनियर एक्सेलरेशन और सेकंड पार्टिकल इज क्या होगा ए टू इज इक्वल बराबर है सेकंड पार्टिकल लिया तो इसका एक्सेलरेशन कितना ए टू होगा बराबर है बिल्कुल सही बोला तो क्या होगा यहाँ पे ए टू इज इक्वल टू का डिस्टेंस आर टू इस सेकंड का डिस्टेंस कितना आर टू है ए आर टू इन क्या है अभी इसका एक्सेलरेशन अल्फा तो कॉमन लेना है दैट इज फॉर द लास्ट पार्टिकल सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन फॉर द लास्ट पार्टिकल ए एन इज इक्वल टू and these are the linear accelerations. Therefore, we have to determine in this topic the torque. ये torque क्या होता है? पता ही है? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ये torque ये होता है, ये torque वो होता है, पर लेकिन किसी ने बोला ही नहीं कि सर ये torque क्या होता है? टॉर्क क्या होता है सिंपली कि टॉर्क इज द थिंग बर्डी क्या होता है बाबू राजू टॉर्क है क्या होता है बेटा ओके हाँ टॉर्क ये तो डेफिनेशन है टॉर्क का ये डेफिनेशन टॉर्क का आर इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फॉर्मूला है टॉर्क ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है टॉर्क के लिए टॉर्क टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफ इनटू आर ये है फोर्स ये है डिस्टेंस मींस इन जनरल टॉर्क टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ये जो हम फॉर्मूला है टॉर्क के लिए ये तो किसी को भी पता है और किसी को भी आना भी चाहिए बहुत ही सिंपल सरल और सभ्य फार्मूला ही है टॉर्क का टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस टॉर्क इज इक्वल टू एफ इनटू तो अभी क्या करना है मुझे ये टॉर्क निकालना है मुझे फॉर द फर्स्ट पार्टिकल देन निकालना है सेकंड पार्टिकल के लिए देन निकालना है थर्ड पार्टिकल के लिए और देन निकालना है लास्ट पार्टिकल के बात समझ लिया आपको बिल्कुल बहुत ईजी है सरल है इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है आप सब ज्ञानी लोग हो बैठे और हम जैसे लोग पढ़ा रहे हैं आपको तो ये हमारा सौभाग्य समझते हैं कि हम आपको थोड़ा जितनी भी हमको जानकारी है वो आप तक पहुँचाएँ तो ये हमारा सौभाग्य है तो लेकिन कुछ यहाँ पे होता है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा देखो यहाँ पे क्या होता है आई वॉन्ट टू डिटरमाइन हियर दी टॉर्क फॉर दी फर्स्ट पार्टिकल अब पहला पार्टिकल तो मालूम है आपको देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ
सपोज जिसको टाउ टी और टाउ ये तो ग्रीन लेटर है कितना है या फिर टाउ है लगाइए कितना फोर्स है किया हुआ किया डिस्टेंस कितना है इसका आर वन पहला पार्टिकल भाई पहले पार्टिकल का मास कितना है यम डिस्टेंस कितना है आर वन वेलोसिटी कितना है इसका लीनियर वी अब फोर्स कितना है भाई या मुझे क्या निकालना है पहले निकालना है टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट ये मेरा पहला पार्टिकल ये मेरा पहला पार्टिकल और इसको शाबाशी भी देना पड़ेगा क्योंकि क्या करता है ये सबसे पहले आता है स्टार्टिंग ही इससे होती है ये तो इसका भाग्य है कि ये पहले आता है therefore इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है ये अपन निकाल therefore f is equal to power is equal to f one into I have written here all the notations in the magnitude form listen carefully not in the vector form therefore here the torque power is equal to f one into r similarly also the torque acting on सेकंड पार्टिकल इज ये तो निकालना ही पड़ेगा भाई क्योंकि पहले पे अगर टॉर्क लगता है तो दूसरे पे तो लगेगा ही लगेगा तीसरे पे भी लगेगा लगेगा क्यों बॉडी तो रोटेट हो रही है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऐसे बॉडी मूव हो रही है जब बॉडी मूव होती है तो क्या होता है इसके अंदर के पार्टिकल भी मूव होती है जब घर हिलने लगता है तो क्या होता है खाली घर नहीं हिलता क्या होता है घर के अंदर की चीजें भी हिलती है भूकंप आने के बाद ऐसा ही ये प्रयोग है ऐसा ही ये एग्जाम्पल क्या हो रहा है यहाँ पे घर हिल रहा है ये मान के घर और ये क्या है घर में रखी हुई चीजें हैं ये क्या है घर में रखी हुई चीजें जब घर ही हिलने लग जाएगा तो क्या होगा ये अंदर के पार्टिकल जो है अंदर की चीजें जो है वो भी हिलने लग जाएंगे बस यही तरीका है आपको समझाने का तो क्या हुआ पहले भी कितना टॉर्क लगा टाउन बोल रहा हूँ वन वन फॉर द फर्स्ट पार्ट टाउन इज इक्वल टू या फोर इंटू आर सिमिलरली द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सेकंड पार्टिकल इज कितना दिया हुआ है यह टॉर्क इज इक्वल टू या फोर इंटू ऐसे मुझे निकालना पड़ेगा थर्ड पार्टिकल के लिए ऐसे मुझे निकालना पड़ेगा लास्ट पार्टिकल के लिए therefore यहाँ पे क्या होगा लास्ट दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है या इनटू आर ये मैंने क्या निकाले अब मुझे क्या मालूम है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये भी मालूम है मुझे कि क्या फोर्स है ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है तो ये क्या है डिस्टेंस तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी वैल्यू मुझे पुट अप करने पड़ेगी काहे कि या 1 की या 2 की या 3 की ये तो मैंने वैल्यू पहले निकाला ही था देखो ये इक्वल टू कितना बनता अपना m into a पुट करिए वही वैल्यू देयरफॉर यहां पे अभी लिखता हूं मैं देयरफॉर क्या होता है the torque acting on the first particle मैं यही पे कर लेता हूँ ठीक है therefore putting the value of F F कितना आता है F is equal to basic formula F is equal to F into A तो ये भी F का value F 1 into A 1 into A 1 है क्या F F का value अब क्या चाहिए मुझे R1 चाहिए R1 कितना होगा R1 ही है सो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल ये क्या होगा सेकंड टॉर्क 2 इज इक्वल कितना होगा F2 का वैल्यू कितनी है F2 इज इक्वल टू
ये तो मजा नहीं, टॉर्क निकाले हैं बट लेकिन इसमें एक चीज और आ रहा है, एक चीज मुझे क्या दिखा इसमें, इसमें दिख रहा है मुझे कि इसमें एक्सेलरेशन आया हुआ है। ऑल दिस फार्मूले ऑफ द टॉर्क कंसिस्टिंग कंसिस्ट ऑफ हैविंग द टर्म्स ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन, सो वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन इन द करेस्पोंडिंग फार्मूले ऑफ द टॉर्क। क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू मुझे पुट अप करना पड़ेगा a1 का, a2 का, ये यहां पे an सॉरी, ठीक है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो यहां पे a1 का वैल्यू कितना है, r1 into r2, तो पुट दिस वैल्यू कहां पे आएगा, ये a1 का वैल्यू आएगा यहां। जो दिया है बोर्ड पे सफिशिएंट है, समझ लीजिए। देखो ये कितना बड़ा, टाउ इक्वल टू m1 इनटू r इक्वल टू अल्फा, ये तो हो गया a1 का हिस्सा, m1 हुआ, ये क्या हुआ a1 हुआ, बाद में क्या बचा है ये r1 बचा हुआ, देखो ये हुआ मेरा r1, कितना बनता है ये r1, ये r1 कितना टाइम बनता है, टू टाइम्स बनता है, टू डबल बनता है, स्क्वायर बनता है इसका, ठीक है। ये कितना होना, एम वन आर वन स्क्वायर इनटू, तो ये क्या है, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा। ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली टॉर्क टू निकालना पड़ेगा, टॉर्क टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द सेकंड पार्टिकल, बराबर है, सही है, सही जा रहा है, ओके। क्या होगा, एम टू आर टू अल्फा, अल्फा कॉमन रहना ही है, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लेंगे उन सभी के लिए क्या होगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है लीनियर एक्सेलरेशन का, क्या होगा कॉन्स्टेंटली रहेगा, ओके। सो हियर एम टू आर टू आर वन इनटू क्या होगा आर टू, ये डिस्टेंस है मेरा, ये एम टू ए टू आर टू, देयरफॉर ये आर टू आर टू, अभी क्या हुआ आर टू और ये आर टू, क्या बना स्क्वायर, देयरफॉर यहां पे मैं लिख रहा हूं एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा, ओके। नेक्स्ट दैट इज डैश टॉर्क पीएम, कितना होगा दैट इज एम एन आर एन अल्फा, ये तो क्या बचा लास्ट में एम एन आर एन, ये यहां पे एम एन आर एन अल्फा, ये तो क्या बचा है ये लास्ट वाला आर एन, तो सिंपल क्या होता है अभी एम एन ये चीजें क्या है,